पेरेंट्स, बच्चों, माई डियर स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको इससे पहला जो लेसन था वो प्रोनाउंस पढ़ाया था, याद है आपको? प्रोनाउंस पढ़ाया था या भूल गए? भूले तो नहीं, भूल गए? और उससे पहले नाउंस कराए थे। हालांकि नाउंस प्रोनाउंस ये जो है बड़ी स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड सेकंड से शुरू, लेकिन ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपको नाउन प्रोनाउन ये अच्छी तरह होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं। नंबर वन बच्चों ये देखने की है, एडजेक्टिव नाउन से भी बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव वर्ब से ही बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव एडजेक्टिव से ही बनाए जाते हैं। किसके से? एडजेक्टिव नाउन से बनाए जाते हैं, एडजेक्टिव वर्ब से बनाए जाते हैं, और एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव से एडजेक्टिव बनाए जाते हैं। ये आपका पेज नंबर 14 पर फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे गर्ल का गर्लिश होता है, चाइल्ड का चाइल्डिश होता है, एब्सेंस का एब्सेंट होता है। लेकिन इसमें क्या, गर्ल क्या है? नाउन है। चाइल्ड क्या है? नाउन है। चाइल्ड क्या है? नाउन है। एब्सेंस क्या है? नाउन है। इसका एग्रीकल्चर, इसका एडजेक्टिव क्या बना? गर्ल का गर्लिश, चाइल्ड का चाइल्डिश, एब्सेंस का एब्सेंट। पेशेंस है, पेशेंस नाउन होता है, मरीज, पेशेंट है। और इसका जो एडजेक्टिव है वो पेशेंट, PATIENT पेशेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपकी? डर लगना फियर, फियर का फियरफुल एडजेक्टिव होता है। टीयर का टीयरफुल होता है। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है सारे। डे का डे नाउन है, इसका एडजेक्टिव डेली होगा। साइलेंस है, ये क्या है? नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा? साइलेंट होगा। तो ये जो ऐसे ही फेथ का फेथफुल होगा, प्ले का प्लेफुल होगा, मेटल का मेटलिक होगा, वुड का लकड़ी का वुडन एडजेक्टिव होता है। ये सब क्या है? ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये वुड वगैरह क्या है? नाउन है। नीड क्या है? नाउन है। इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? नीडी। वर्थ क्या है? नाउन है। इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? वर्थलेस भी होता है और वर्दी भी। तो ये